टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है। एलिमिनेशन चैम्बर ने बदल डाली WWE की सारी प्लानिंग। मिज बन गए हैं WWE के नए चैंपियन और एज ने रोमन रेंस को दे दिया है रेसलमेनिया चैलेंज। ब्रॉक लेसनर क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड और किस रेसलर ने जीत ली अपने करियर की पहली चैंपियनशिप बेल्ट। मेरा नाम है चयन और मैं सब बताऊंगा क्या क्या हुआ WWE में। मिज बन गए हैं WWE चैंपियन। एलिमिनेशन चैम्बर में फाइनली मिज ने कैश इन किया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और ड्रू मैकइंटायर को दिया एक स्कल क्रशिंग फिनाले। जी हाँ, पर ये सब हुआ कैसे? WWE की रेसलमेनिया की प्लानिंग बदली कैसे? उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन चैम्बर में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। मैच था चैंपियन बॉबी लैशली, NXT से आए मैट रिडल और कीथ ली के बीच। पर मैच से पहले WWE की तरफ से अपडेट आया कि कीथ ली इस मैच का पार्ट नहीं होंगे और कीथ ली की जगह लेने के लिए एक फेटल फोर वे मैच होगा जिसका विनर कीथ ली की जगह को रिप्लेस करेगा। वैसे कीथ ली का इस मैच में ना होना WWE ने लैशली द्वारा उनकी पिटाई बताया है, पर इसके पीछे असली राज क्या है वो हम सबको कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। बट एनीवे, फेटल फोर वे मैच हुआ रेट्रीब्यूशन के मुस्तफा अली, जॉन मॉरिसन, रिकोशे और एलायस के बीच। रिकोशे को छोड़कर बाकी तीनों रेसलर्स हील थे और वैसे तो रिकोशे ने बढ़िया मूव दिखाए, लेकिन जीत आई जॉन मॉरिसन के नाम जिन्होंने मुस्तफा अली को पिन कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिला स्मैकडाउन एलिमिनेशन चैम्बर मैच, जहां पर मैच का विनर को भिड़ना था स्मैकडाउन चैंपियन रोमन रेंस से। डेनियल ब्रायन और सिजारो ने यह मैच स्टार्ट किया और बाकी चार कंटेंडर्स यानी केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, जे उसो और किंग कॉर्बिन अपने अपने पॉड्स में थे। डेनियल ब्रायन और सिजारो के बीच बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिली, पर कोई भी किसी को पिन नहीं कर पाया और नंबर तीन पर आए किंग कॉर्बिन। कॉर्बिन ने ब्रायन और सिजारो दोनों की ही ऐसी तैसी कर दी, पर इससे पहले वो किसी को भी पिन कर पाते सैमी ज़ेन का पॉड खुल गया। सैमी पहले तो पॉड से बाहर ही नहीं आए, पर सिजारो ने उनके पॉड में पहुंचकर उनका भुड़ता बना दिया। सिजारो ने इसके बाद कॉर्बिन को दिया शार्प शूटर और किंग कॉर्बिन सबसे पहले एलिमिनेट हो गए। इसके बाद केविन ओवेंस का पॉड खुला और उनके बाद जे उसो का। ये पांचों रेसलर्स में जबरदस्त फाइट हुई, पर पहले ओवेंस ने ज़ेन को स्टनर देकर एलिमिनेट किया, फिर जे उसो ने पहले तो उसो स्प्लैश देकर ओवेंस को एलिमिनेट किया और फिर इसी मूव से सिजारो को भी एलिमिनेट कर दिया। बहरहाल डेनियल ब्रायन को वो चाहकर भी नहीं हरा पाए, क्योंकि ब्रायन ने दी उनको एक जबरदस्त रनिंग नी और उसो को एलिमिनेट करके ब्रायन बन गए एलिमिनेशन चैम्बर के विनर। मैच तो ब्रायन जीत गए, पर मैच के बाद रोमन रेंस को फेस करने की उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। इसका फायदा उठाते हुए रोमन रेंस ने ब्रायन को हरा दिया और रिटेन कर ली स्मैकडाउन यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर यह खुशी 2 सेकंड में बदल गई जब रॉयल रंबल विनर एज ने मार दिया उनको स्पेयर और रेसलमेनिया के लिए दे दिया चैलेंज। पर इसके बाद जो मैच हुआ उसी ने आज की WWE सस्पेंस की स्क्रिप्ट लिखी थी। US चैंपियनशिप मैच जो कि लैशली, रिडल और कीथ ली के बीच में होना था, अब बन गया था लैशली वर्सेस रिडल वर्सेस जॉन मॉरिसन। लैशली के आगे दोनों ही रेसलर्स वैसे तो इस मैच में टिक नहीं पाए। ट्रिपल थ्रेट होने की वजह से मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल था और उस रूल का फायदा उठाकर रिडल ने पहले तो लैशली को MVP के क्रश से मार मार कर रिंग से बाहर फेंक दिया और मॉरिसन, जिनको लैशली ने नॉकआउट कर दिया था, उनको पिन करके US टाइटल जीत लिया। लैशली इस हार से तिलमिला गए और उसके बाद जो उन्होंने किया उस वजह से WWE के रेसलमेनिया के सारे प्लान्स बदल गए हैं। WWE चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर में मुकाबला होना था ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल्स वर्सेस शेमस वर्सेस कॉफी किंगस्टन वर्सेस जेफ हार्डी। मैच में सबसे पहले एलिमिनेट हुए रैंडी ऑर्टन, जिनको कॉफी किंगस्टन ने चालाकी से पिन कर दिया।
वैसे अब तो सबको पता है कि WWE का प्लान रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया पर ब्रे वायट के साथ ही भिड़वाने का है। बहरहाल मैच जबरदस्त था और 5 के 5 सुपरस्टार जब रिंग में थे तो भजड़ ही फैल गई। सबसे पहले शेमस ने ब्रो किक देकर एलिमिनेट किया कोफी किंगस्टन को, फिर मैकिंटायर ने क्लेमोर देकर एलिमिनेट किया जेफ हार्डी को, एजे स्टाइल्स ने जबरदस्त फिनोमिनल फोरआर्म देकर एलिमिनेट कर दिया शेमस को, पर जीत मैकिंटायर की हुई जब उन्होंने स्टाइल्स को क्लेमोर देकर मैच और चैंपियनशिप रिटेन कर ली। पर उसके बाद जो ट्विस्ट आया वो किसी ने नहीं सोचा था। बॉबी लैशली जो US टाइटल हारने की खुन्नस में थे, उन्होंने ड्रू पर कर दिया हमला और हर्ट लॉक देकर मैकिंटायर को कर दिया बिल्कुल अधमरा। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वाले मिज ने उठाया इसका फायदा और अधमरे ड्रू मैकिंटायर पर कैश इन कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। बस फिर क्या था, मिज ने दे दिया मैकिंटायर को स्कल क्रशिंग फिनाले और बन गए हैं WWE चैंपियन। तो WWE रेसलमेनिया का कार्ड अब थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है। मिज का चैंपियन बनने से नए मैचेस भी खुल गए हैं। उधर सोशल मीडिया पर ब्रॉक लेसनर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। रूमर्स की माने तो लैशली रॉ पर मिज को चैलेंज करके WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं और रेसलमेनिया पर ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच देखने को मिल सकता है, या फिर ब्रॉक वापस आकर अब ड्रू मैकिंटायर से 2020 के रेसलमेनिया का बदला भी ले सकते हैं। तो क्या होगा WWE का नया मूव, कमेंट्स में बताएं कि रेसलमेनिया पर किसका होगा किससे मैच। WWE के सारे अपडेट्स मैं यानी चयन लेकर आता रहूंगा। अनकट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करो और देखते रहो अनकट।